गाइस आप लोग ई कॉमर्स साइट से शॉपिंग तो करते ही होंगे, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, शाओमी का ऑफिशियल वेबसाइट हो गया या फिर मिंत्रा हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट आपको खरीदना रहता है लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली रहता है, तो आप उसको एक बार में नहीं ले सकते या फिर आपका फाइनेंशियल इश्यू अच्छा ना हो, तो आपके पास ऐसे में दूसरा ऑप्शन जो होता है वो है ईएमआई का। गाइस अगर हम बात करें ईएमआई की, तो वो आप लोगों को आपके डेबिट कार्ड पे नहीं मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके क्रेडिट कार्ड या फिर बजाज फाइनेंस पे मिलता है। अगर हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें आप लोगों को लग जाता है बहुत ही ज्यादा पेपर वर्क, साथ ही साथ उसमें डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करते हो, और उसमें आप लोगों को जो क्रेडिट लिमिट है वो भी बहुत ही कम मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, उन लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। और अगर आप बात करें बजाज फाइनेंस की, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। सो गाइस आज का वीडियो पूरा देखते रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बिना क्रेडिट कार्ड या फिर बिना बजाज फाइनेंस के आप ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज ये जो वेबसाइट है उसका नाम है zestmoney.in। आप गूगल पे जाके www.zestmoney.in करके सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से आप जा सकते हैं। आप जैसे ही साइट को ओपन करते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर कंपनी का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी कुछ भी आप ईएमआई से खरीदते हैं जेस्ट मनी के थ्रू, तो यहाँ पर आप लोगों को अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से 0% का इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आप शाओमी के ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो आप लोगों को वहाँ पर 0% का डाउन पेमेंट रहता है। गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि zestmoney.in ने किन किन ई कॉमर्स साइट से कोलाबरेशन किया है। सो जैसे कि अमेजोन, शाओमी, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, स्मार्ट्रॉन, इनटेक्स, क्विकर, इन सभी ई कॉमर्स साइट से जेस्ट मनी ने कोलाब्रेशन किया है। और भी काफ़ी पार्टनर्स है जेस्ट मनी के, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो गाइस यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, जिससे आप लोगों को बिना क्रेडिट कार्ड या फिर बजाज फाइनेंस के ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट आसानी से मिल सके। सो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है, वहाँ पर आप लोगों को आपका प्रोफाइल क्रिएट करना है यूजिंग आपका आधार डिटेल्स, पैन डिटेल्स और आपका पर्सनल डिटेल्स, यानी कि नाम वगैरह सब कुछ वहाँ पर आप लोगों को क्रिएट करना, आपका प्रोफाइल सब कुछ डिटेल्स फिल करके। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, वहाँ पर आप लोगों को आपका प्रोफाइल वेरीफाई करना है, वहाँ पर आप लोगों को आपका KYC डालना है, यानी कि थंबप्रिंट डालना है। उसके बाद फिर वहाँ पर आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यानी कि ID प्रूफ, या फिर उसके बाद फिर आप लोगों का जो पासबुक है वो सारा डिटेल्स आप लोगों को वहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, यानी कि जो फाइनल स्टेप है, वहाँ पर आप लोगों को आपका लोन है जो एक्टिवेट करना है। फाइनली आप लोगों को वहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद फिर आप लोगों को आपका लोन एक्टिवेट करवाना है। सो गाइस इस तरह से आप zestmoney.in से आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, वो भी बिना क्रेडिट कार्ड या फिर बिना बजाज फाइनेंस के। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें।